मैं अमूल्य बात कर रहा हूँ महाकाली वास्तु ज्योतिष से। आज हम बात करेंगे नवरात्र में कुछ टिप्स है। नवरात्र 9 अप्रैल 2024 को चैत्र नवरात्रि का शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। इससे क्या होता है, माता जी का आगमन होता है। आप जब भी कुछ पूजा पाठ करेंगे नवरात्र में, ये चीजों को ध्यान रखिए। मंदिर में ये फोटो होना बहुत जरूरत है, फोटो या मूर्ति होना बहुत जरूरत है। एक तो माता भगवती का फोटो या मूर्ति, उसके साथ माता लक्ष्मी, उसके साथ आप क्या करेंगे, सरस्वती जी का भी रखिए। इनको आपने स्थापना कीजिए, सामने कलश स्थापना कीजिए, 9 दिन का माता जी का नाम में ज्योत लगाइए। ज्योत लगा के सुबह स्नान करने के बाद, पिछले वीडियो में हमने मुहूर्त बता चुके हैं, उस मुहूर्त के हिसाब से आपने कलश को स्थापना कीजिए। स्थापना करके लाल कपड़े का वस्त्र आपने धारण कीजिए, उसमें लाल कलर का चंदन का टीका लगाइए, और आसन आसन ऐसा हो लाल कलर का हो। अगर आपका पास लाल कलर का नहीं है तो कंबल वगैरह बिछा के उसके ऊपर लाल कपड़ा आपने रख कर भी आप उसके आसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या करेंगे, नवरात्र में कलश स्थापना करने के बाद, दीपक का ज्योत लगाने के बाद आप क्या करेंगे, हाथ में संकल्प लीजिए, पानी का संकल्प में क्या करेंगे, थोड़ा पानी लीजिए, उसमें चावल, थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा हल्दी और 1 रुपए का सिक्का डालकर ऐसा संकल्प लेके मन में सोचिए माता जी के सामने जो आपकी मनोकामना है, जो आपका साथ हो रहा है कुछ अच्छा होने के लिए, अपने जो भी संकल्प सोच के अपने माता जी के सामने उनको अर्पण कीजिए। उसका साथ साथ क्या करेंगे, आपने एक लाल कपड़े में 2 लौंग रख लीजिए, उसके साथ 11 कौड़ी। कौड़ी आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी मिल जाता है। कौड़ी को आपने बांध कर माता जी का सामने स्थापना कर 9 दिन तक आपने नवान्न मंत्र का जप कीजिए। अब नवान्न मंत्र जो है, ओम ओइंग रिंग क्रिंग चामुंडाई बिच्चे, इस मंत्र का आपने 21 बार 108 बार माला में जप करके साथ में होगा तो, अगर आप दुर्गा सप्तशती पाठ कर लीजिए, दुर्गा सप्तशती पाठ अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उसके साथ दुर्गा चालीसा भी पाठ कर सकते हैं। पाठ चालीसा करके अष्टमी का दिन आपने छोटा सा हवन कर लीजिए। हवन अगर आप करने नहीं कर पा रहे तो कन्या को भोजन कराइए, कन्या को भोजन करा के नवमी का दिन आप क्या करेंगे, विसर्जन करने से पहले वो जो पुटली जो रखा हुआ है लौंग कौड़ी, उसको थोड़ा माथे पे लगाकर आप अपनी तिजोरी में स्थापना कीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास रहेगा, धन दुगुनी हो जाएगा। ये छोटी छोटी टोटके आप करिए नवरात्र में, आपको जरूर फायदा होगा। इसके साथ साथ क्या करेंगे, नवरात्र में 9 दिन फला रहिए। अगर कोई फल खा के व्रत नहीं कर सकता है तो शुद्ध शाकाहारी खाना आप खा सकते हैं। ये चीजें आप छोटी छोटी टिप्स से कीजिए, फिर माता जी का आशीर्वाद लीजिए, नवरात्र में आपकी मनोकामना का पूर्ति हो, आपके घर में सुख शांति हो। यही हम माता भगवती के सामने हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं। फिर दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।